हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, आपके अपने चैनल पे इस ट्यूटोरियल पे। तो हम डीएसपी का लेक्चर सीरीज नंबर चौथा है। तो चौथे में क्या देखने वाले, फोर्थ वीडियो में ऑटो एंड क्रॉस कोरिलेशन। तो ये 100% चांसेस है एग्जाम में आने का 5 मार्क्स के लिए। या तो ऑटो रहेगा या तो क्रॉस कोरिलेशन पूछा रहेगा, और दोनों में से एक पूछ सकते या दोनों भी पूछ सकते। क्वेश्चन नंबर 1 में आएगा और 100% चांसेस रहता आने का। तो देखते सॉल्व करते, बहुत ईजी क्या है। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड, पहले हम लोग ऑटो देखते फिर क्रॉस कोरिलेशन देखें, ठीक है। तो पहला क्या है, फाइंड ऑटो कोरिलेशन ऑफ द गिवन सीक्वेंस। ये कुछ सीक्वेंस दिया, एक्स ऑफ एन, वाई ऑफ एन, एच ऑफ एन, कुछ भी देने दो, एक सीक्वेंस दिया और इसका स्टार्टिंग पोजिशन दिया है, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या है, इसका फोल्डिंग लेने का। अगर ऑटो कोरिलेशन करना है तो क्या करने का, एक ही सीक्वेंस दिया रहेगा, ठीक है, एक ही सिग्नल दिया रहेगा, उसका क्या करेंगे हम लोग, फोल्डिंग करेंगे। तो फोल्डिंग तो सभी को आता है, नहीं आता तो वीडियो देख लो। क्या करो, ये पूरा इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और अभी जो स्टार्टिंग पोजीशन हो यहाँ पे, ठीक है। क्या हुआ, ये पूरा फ्लिप होगा इस साइड, जो जीरो से पॉजिटिव कोऑर्डिनेट पे थे वो अब नेगेटिव पे चले गए। तो एक्स ऑफ माइनस एन, फोल्डिंग का यूज किया मैंने, ठीक है। ये कर दिया मैंने, क्या किया, पहला स्टेप इसको फोल्डिंग में कन्वर्ट कर दिया, सबको जो भी पॉजिटिव कोऑर्डिनेट थे और नेगेटिव कोऑर्डिनेट हो गए। अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहां पे चला गया। अब उसके बाद क्या, ऑटो कोरिलेशन फाइंड करने के लिए उसका फॉर्मूला क्या है, एक्स ऑफ एन इंटू एक्स ऑफ माइनस एन। मतलब क्या, ये जो दो सिग्नल है, फोल्डिंग और विदाउट फोल्डिंग, नॉर्मल सिग्नल और फिर फोल्डिंग के बाद जो दो सिग्नल मिलने वाला, उसको क्या करने का, मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को और आंसर क्या मिल जाएगा हम लोग को, हमारा ऑटो कोरिलेशन। तो देखो किस तरीके से करना है, तो ऐसा पूरा मैट्रिक्स बना के उसमें मत घुस जाना, टेबुलर मेथड यूज करना, कोई मार्क्स नहीं कटेगा, फुल मार्क्स मिलेगा। कैसे करने का देखते हैं। तो क्या करो, एक तरफ आप एक्स ऑफ एन लिखो हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली क्या लिखो, एक्स ऑफ माइनस एन, ठीक है। तो इधर एक्स ऑफ माइनस एन है, ठीक है, ये माइनस एन। तो हम लोग लिखते हैं टेबुलर मेथड में, तो वैल्यू लिखो क्या क्या है, पहले एक्स ऑफ एन 2, 3, 1, 4, ठीक है, और इसमें किधर कैसा है, 4, 1, 3, 2। तो जैसा वैल्यू है वैसा भरना है। कैसा होगा, एक्स ऑफ एन हॉरिजॉन्टली लिख दिया, उसके लिए क्या गया, 2 जो वैल्यू लिखा वो टेबुलर मेथड, और एक्स ऑफ माइनस एन क्या किया, वर्टिकली लिख दिया। अब क्या, मल्टीप्लाई करो, तो 8 फिर ये दोनों मल्टीप्लाई, 4, 3, 12, 4, 16, फिर 1, 2, 2, 1, 3, 3, 1, 1, 1, 1, 4, 4, 3, 2, 6, 3, 3, 9, 3, 1, 3 और 3, 4, 12, ठीक है। तो ये सब एक एक 3 को पकड़ के सबसे मल्टीप्लाई किया, 4 को पकड़ के सबसे, उसी तरीके से हर एक का करने का है। फिर इसका क्या आएगा, 4, 6, 2, 8, तो ये हम लोग को मिल गया। क्या मिल गया, टेबुलर मेथड से मल्टीप्लाई करने के बाद, कोई मैट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ जीरो वीरो अज्यूम करने की कोई जरूरत नहीं, ये सबसे सिंपल मेथड है और फुल मार्क्स मिलेंगे इसमें। अब क्या करने का, ये तो बन गया हमारा, इसके बाद क्या करना है, डायगनली हम लोग को एड करना है। तो अपना पेंसिल से एग्जाम में ये बना लेना एक बार, ठीक है। तो डायगनली हम लोग एड करेंगे सब एलिमेंट को, जो जो इसमें आया टेबुलर में मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो अभी देखो इसका आंसर क्या आता है, एक्स ऑफ एन लास्ट वाला, तो पहला 80 रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा, दूसरा, ये दोनों ऐड हो गए, दो एलिमेंट है, तो कितना होगा, 14, फिर ये ऐड होगा 6 प्लस 3, 9, 9 प्लस 4, 13, फिर 10 और 16, 26 और 4, 30, चार है ना, 9 प्लस 4, 13, 14 और 16 कितना हो, 30, फिर वापस से तीन एलिमेंट है, 15, ये 14 और ये 8, ठीक है। तो देखा, ये हम लोग को मिल गया क्या, हमारा लास्ट आंसर वो क्या है, ऑटो कोरिलेशन। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग जो ये पॉइंट डालना है तो वो किधर आएगा, ऑब्वियसली जो एक्स फोल्डिंग के बाद आएगा उसी पे ध्यान देना, क्योंकि क्या है, देखो ये जीरो पोजीशन पे, ये किसी और पोजीशन पे रहता तो फर्क पड़ता है उसको, लेकिन वो जीरो पोजीशन पे तो वो मैटर नहीं करेगा, सिर्फ यहाँ पे मैटर करेगा। तो कितवे पे 3 के बाद है,
तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट किधर रहेगा, इधर रहेगा, ठीक है। इसको क्या क्या डायगनली ऐड कर दिया हम लोग, 2 + 12 = 14, फिर देखो 6 + 9 + 4 13, तो इस तरीके से डायगनली सबको ऐड किया, पेंसिल से ये बनाया, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना, और सबसे इजी मेथड है ये मल्टीप्लाई करने का, कुछ दूसरा मेथड करने की जरूरत नहीं है। तो देखो कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमेशा याद रखना कि जो भी रहेगा दोनों एलिमेंट को ऐड करने के बाद 1 माइनस करोगे ना, उतना ही एलिमेंट इसमें आएगा, ठीक है। ऑटो कोरिलेशन करते वक्त अगर कहीं गलती से गलत भर दिए तो काउंट करना, अगर इसमें 7 एलिमेंट है तो यहाँ पे 6 आएगा, 1 कम आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या बोलते हैं ऑटो कोरिलेशन। अब हम लोग देखेंगे क्रॉस कोरिलेशन में क्या करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो क्रॉस कोरिलेशन के लिए मुंबई यूनिवर्सिटी का सम है ये, क्या करना है देखो, क्या फाइंड क्रॉस कोरिलेशन ऑफ सीक्वेंस एक्स ऑफ एन कुछ दिया और एच ऑफ एन, दो सिग्नल मिलेंगे क्रॉस के वक्त, ये हमेशा ध्यान रखना, क्रॉस के वक्त दो मिलेंगे और ऑटो कोरिलेशन के मतलब एक ही मिलेगा आपको, उसका फोल्डिंग कर देना और मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसमें क्या करना है अभी देखते हो, इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला एक्स ऑफ एन वैसे ही रहेगा, उसको कुछ डिस्टर्ब नहीं करना, तो हम लोग को उसको एज इट इज लिखेंगे। अब क्या होगा इसमें, इसमें क्या होने वाला है, जो एच ऑफ एन है ना उसको हम लोग क्या करेंगे, फोल्डिंग करेंगे, तो क्या बनेगा हमारा एच ऑफ माइनस एन बनेगा, ठीक है। तो फोल्डिंग करने के बाद क्या आएगा, 6 4 और 2, ठीक है। आप लोग को समझा रहेगा कैसे किया, ये फ्लिप कर दिया, क्या किया उसका फोल्डिंग किया, तो अभी जो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में थे वो नेगेटिव में चले गए और स्टार्टिंग इसका चेंज होके द 2 पे आ गया और इधर 1 पे ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें एच ऑफ एन का फोल्डिंग हो गया, ठीक है, एच ऑफ माइनस एन मिल गया और एक्स ऑफ एन है, तो क्रॉस के लिए हम लोग को क्या करना है, एक्स ऑफ एन इंटू एच ऑफ माइनस एन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है एक्स ऑफ एन इंटू एच ऑफ माइनस एन, और क्रॉस के लिए क्या था, एक्स ऑफ एन इंटू एक्स ऑफ माइनस एन, ठीक है, उसी के फोल्डिंग के साथ, लेकिन इसमें सेकेंड सिग्नल के फोल्डिंग के साथ जो एच ऑफ एन है। तो सेम टेबुलर मेथड बनाना है, तो यहाँ पे एक्स ऑफ एन लिखता हूं और यहाँ पे एच ऑफ एन, मतलब क्या वर्टिकली एच ऑफ एन, हॉरिजॉन्टली एच ऑफ, सॉरी एक्स ऑफ एन, ये एच ऑफ माइनस एन है, ये याद रखना माइनस एन बनना है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 1 2 3 4 और यहाँ पे वैल्यू है हमारे पास 6 4 2, ठीक है। तो ये 2 है, अब इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करना है नॉर्मल, 6 1 6 12 18 और 24, 4 से 4 8 12 16 और 2 4 6 8, तो ये हम लोग को क्या मिल गया, इसका टेबुलर मेथड में मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर मिलना चाहिए वो मिला। अब क्या करेंगे, तो सेम ऐड करेंगे डायगनली, तो डायगनली सबको ऐड करना आप, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये इस तरीके से ऐड होगा, तो ऐड होने के बाद क्या आने वाला आंसर, 6 सेकेंड फिर आएगा 16, ऐड होगा 4 + 12, फिर 8 + 2 10 और 10 18, ठीक है। फिर क्या 2 12 + 4 16 16 और 24 40 22 8, ठीक है। तो ये आ गया हमारा क्रॉस कोरिलेशन का आंसर, जो कि आप लोग देख सकते हो, ये आपका आंसर है जो आया है। तो देखो, देखा कितना सिंपल है, कुछ करना नहीं है। और क्रॉस के लिए क्या करना है, जो सेकंड सिग्नल है उसका फोल्डिंग ले लिया और फोल्डिंग के बाद क्या किया, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्या किया एक्स ऑफ एन को, आप टेबुलरी करना, मेरा रिकमेंडेशन है, कोई और मेथड मत फॉलो करना, मैट्रिक्स वगैरह कुछ भी, उसमें क्या फंसने का चांस है, इसमें कुछ फंसने का चांस नहीं है। क्या किया एक्स ऑफ एन एक हॉरिजॉन्टली लिखा, एच ऑफ माइनस एन जो जिससे मल्टीप्लाई करना है वर्टिकली, दोनों को मल्टीप्लाई करते गए एक एक बार, और क्या किया फिर डायगनली ऐड कर दिया, ठीक है। एक लाइन बना ली पेंसिल से अपने अजम्पशन के लिए, फिर रफ कर देना उसको, और ऐड करने के बाद रफ कर देना, और ये सीक्वेंस आ गया। और इसका स्टार्टिंग पॉइंट किधर रहेगा, ऑब्वियसली वो 0 पे तो अफेक्ट नहीं करेगा, तो हम लोग 18 से स्टार्ट करेंगे, 2 पहले, जैसे इसके पहले 2 वैल्यू है तो 0 के पहले 2 जो वैल्यू, उसके बाद तो 18 से उसका स्टार्टिंग लोकेशन रहेगा। तो देखा कितना सिंपल है क्रॉस और ऑटो, तो दोनों में से एक आने वाला एग्जाम में 100% 5 मार्क के लिए, तो करके जाना, स्किप मत करना।
क्रॉस ऑटो तो क्रॉस से भी इजी है। तो थैंक यू सो मच गाइज मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो, क्योंकि और बहुत से डीएसपी के वीडियो आने वाले, पूरा सीरीज आएगा 25 से 30 वीडियो का। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और 3 अच्छे काम करो, शेयर करो, लाइक करो, और जो भी नोटिफिकेशन बेल आइकन नहीं दबाया प्लीज वो दबाओ, ताकि जब भी मैं वीडियो डालू तो आपको नोटिफिकेशन मिले। और गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर कोई टॉपिक सजेस्ट करना है तो आप वहां पे भी सजेस्ट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं अगले वीडियो में आपके टॉपिक के साथ।